दोस्तों ये है वो खास पानी जिससे कि आप अपने बालों को ना सफ़ेद हो रहे बालों को आप बचा सकते हो। इसे बहुत ही अच्छी तरह से आप देखिए किस तरह से बनाना है, लगाना है अपने बालों पे। और ये चाय पत्ती से बना हुआ है, बट इसमें ऐसी इंग्रेडिएंट ऐड की है मैंने जो कि आपके सफ़ेद हो रहे बालों से ये निजात दिलाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं इसे किस तरह से बनाना है, लगाना है अपने बालों पे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कॉटन बॉल, आप इसी तरह से इस कॉटन बॉल की हेल्प से अपने पूरे बालों पे इसे लगाइए। ये देखिए ये नाखून में भी घुस जाए ना तो ये निकले ना जल्दी से, कुछ इस तरह का इसका हाल है। तो आपको बिल्कुल इसी तरह से बनाना और लगाना है। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह से इसे हमने बनाया है। फ्रेंड्स, अगर आप चाय बनाते हैं तो चाय की पत्ती को आप बिल्कुल ना फेंकिए। देखिए मैंने यहाँ पे इसे यूज़ किया हुआ है। और क्या करना होता है ना, चाय की पत्ती आपको लेनी होती है और उसमें हम अदरक तो डालते ही डालते हैं। तो ये है हमारा दोनों आज का मैजिकल थिंग्स जो कि आपके सफ़ेद हो रहे बालों को बचाएगा। देखिए आपको इसमें बिना शक्कर वाली ये चाय थी, तभी मैंने इसे यूज़ किया है। और इसमें आपको फिर से हम क्या करेंगे, लोहे की कढ़ाई लेनी है आपको और सिर्फ इसको हम अच्छे से बॉईल आने देंगे। एक बार तो हमने इसे चाय बना के यूज़ कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे फेंक दो, इसका रीयूज़ भी आप कर सकते। तो चाय की पत्ती का आप रीयूज़ करके आप अपने हेयर को ब्लैक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत नेचुरल चीज़ों से। तो देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले ना गैस को ऑन कर लेते हैं और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए ना इसका जो पानी है ना वो हम निकाल लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली फिर से ये ब्लैक होना शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है कि अभी हम इसे फेंक देना चाहिए था, हमें इसे रीयूज करना होता है। देखिए ये पानी में बॉईल आ गया है ना, देखिए फिर से ये अच्छे से ब्लैक फॉर्म में हमें ये वाटर मिल जाता है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसे हम छान लेंगे सबसे पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसे स्ट्रेनर की हेल्प से यहाँ पे छान के ले लिया है। अब इस जो इन सारी चीज़ों को आपको फिर भी नहीं फेंकना है, इसका फिर से आप रीयूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास प्लांट्स है, पौधे हैं, तो आप इसे अपने प्लांट्स में, पौधों में डाल दीजिए, उनकी बहुत ही अच्छी से ग्रोथ हो जाती है। अब हमें क्या करना है, ये पानी ले लेना है, ठीक है दोस्तों। हमने ये चाय पत्ती और अदरक का पानी ले लेना है सबसे पहले। अब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करूँगी वो आप ध्यान से देखिए, जिससे कि आपका बहुत ही अच्छे से ब्लैक हेयर डाई बन के रेडी हो जाएगा। दोस्तों ये है ब्लैक कत्था, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हो ना, ये है काले कलर का कत्था। इससे हम आप मार्केट में कहीं से भी आप लेके आ सकते हो, बहुत ही आसानी से ये ब्लैक कत्था मिल जाता है। अब मैं इस ब्लैक कत्थे को इसमें डाल दूंगी दोस्तों। तो आधा जो है मैं तोड़ के यहाँ पे ब्लैक कत्थे को डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम गैस के फ्लेम को ऑन रखा है, बट उसे एकदम स्लो में रखना है। ये ब्लैक कथा जैसे ही जाता है वैसे ही पानी का आप कलर देख सकते हो, एकदम टर्न हो चुका है। अब हम इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे कि आपकी ब्लैक हेयर डाई बनके इंस्टेंटली रेडी हो जाएगी, जिससे आपके सफ़ेद बालों को आप अच्छी तरह से डाई कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और ये घरेलू उपाय जो होते हैं ना दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि इससे हमारे बाल है ना टूटते नहीं है, झड़ते नहीं है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे पपैया लीफ। दोस्तों ये बहुत अच्छा होता है हमारे बालों को काला बनाए रखने के लिए, एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा होता है। तो पपीते का आप ना पत्ता लेकर आइए और यहाँ पे 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों इसे थोड़ा सा हम बॉईल आने देंगे और इसी में हम ऐड करने वाले हैं आंवला पाउडर। ये बहुत ही आसानी से पपीते का पत्ता, आंवला पाउडर जो भी है ना आपको ये मिल जाएगा। आंवला पाउडर आप 1/2 टेबल स्पून डालिए, क्योंकि ऑलरेडी जो पपीते का पत्ते का जो लीफ होता है ना उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जिससे कि आपके बाल काले होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये बना लेना है और इसी तरह से इसे आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों थोड़ा सा इसे हम बॉईल आने देंगे सबसे पहले। अब ये बॉईल आना शुरू हो गया है, थोड़ा इसे हल्के हल्के से हम पकाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपको इसे धीरे धीरे से आपको पका लेना है मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद फ्रेंड्स, आप हफ्ते में ना ज़रूर इसे 2 बार यूज़ करिए अपने सफ़ेद हो रहे बालों पे, या प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर के आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है तो आप इसे 2 बार ज़रूर यूज़ करिए। इसके पहले भी मैंने आप लोगों के साथ में पपैया लीफ वाली जो वीडियो शेयर की है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है बालों की, जो बोलते हैं ना प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर की समस्या जो है सफ़ेद बालों की, आज के डेट में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है, उसे आप ज़रूर यूज़ करिए। ये
100% वर्क करते हैं और ये सच में बहुत अच्छा है। आप कहीं पे भी इसे गूगल पे सर्च कर लीजिए। पपीते का जो लीफ होता है उसे लेकर आके आप उसे ड्राई करके भी रख सकते हैं, स्टोर करके, बहुत ही बेस्ट होता है। तो इसे ज़रूर करिए। और देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो वाटर इतना ब्लैक फॉर्म में जब टर्न हो जाए तो आप इसे मॉर्निंग में जब नहाने जाते हैं तो उस टाइम पे अपने बालों पे इसे लगा लीजिए। पूरा स्प्रे टाइप में आप इसे भर के स्प्रे बॉटल में यूज़ कर सकते हो और पूरा स्प्रे कर लीजिए। पूरा आप जब नहाने जाते हो तो कम से कम आधे घंटे तो इसे उसी तरह से छोड़ के रखना होता है आपको, और उसके बाद वॉश कर लीजिए हर्बल शैम्पू से। तो हफ्ते में इसे दो बार ज़रूर करिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है।